రైట్ నిన్న వైరల్ అయినటువంటి ఫేక్ వీడియోకి సంబంధించి కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ చూద్దాం देखिए राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं गनीमत है कि उनको करने का मौका जनता नहीं देती है और इस बार भी नहीं मिलने वाला है धन्यवाद अब शायद वीडियो ठीक से प्ले हो पाए मैं यहाँ कहकर जाता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे ये अधिकार तेलंगाना के एससी एसटी और ओबीसी का है वो अधिकार उनको मिलेगा और मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एससी एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे तो दोनों वीडियो आपके सामने हैं मेरा करबद्ध निवेदन है कि रिजर्वेशन के बारे में और इस फेक वीडियो के बारे में कांग्रेस जो भ्रांति फैला रही है वो भ्रांति को निरस्त करने में मीडिया भी अपना सहयोग दे और आप सभी का इतनी सुबह यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार हाँ बोलिए टाइम है सर असम में चुनाव अभी दो चरण का खत्म हुआ है तीसरे चरण चलेगा भारी संख्यक माइनॉरिटीज लोगों का ये मतलब सहाय मिल रहा है और नेतृत्व में दिखा जा रहा है हिमंत बिस्व शर्मा जी भी बहुत ही खास तौर से जगह जगह में माइनॉरिटी एरिया में कैंपेन कर रहे हैं और मुस्लिम का भारी तरफ से सपोर्ट मिले इसका कारण क्या है देखिए हम कभी वोटर को माइनॉरिटी मेजोरिटी की दृष्टि से नहीं देखते हर व्यक्ति भारत का नागरिक है उसको इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए परंतु मैं इतना जरूर कह देता हूं आसाम में हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे ये तय है हमारी पार्टी इसके लिए विश्वास व्यक्त करती है कम से कम 12 से आगे भी जा सकते सर असम के कहीं कंस्टिट्यूएंसी में आपने भी प्रसार में भाग लिया कैसा देख रहे हैं आपके हिसाब से बहुत अच्छा एटमोस्फियर है यहाँ जो शांति मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रस्तावित हुई है जो विकास का वातावरण मिला है सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट को यहां आने से यहां के यूथ में काफी उत्साह हेमंत बिस्व शर्मा जी ने पूरे आसाम में मोदी जी की सारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाया है ढेर सारे भूमि कब्जा के केसों को रिजॉल्व किया है और आज आसाम की जनता इसके कारण पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आसाम में हम गत समय की हमारी सीटों में भी बढ़ोतरी करेंगे हम कम से कम 12 सीट जीतेंगे 12 से आगे भी जा सकते हैं अमित भाई आप लगातार प्रचार में जा रहे हैं और आपकी पार्टी लगातार कह रही कि कांग्रेस है वो अपीजमेंट करे आपने उसके मैनिफेस्टो को भी जिक्र किया पर विपक्ष के कई नेताओं का यह कहना है कि आप भी तो राम के नाम पर वोट मांग रहे हमने राम के नाम पर कभी वोट नहीं मांगा हमने हमारे समय में राम मंदिर बना वो बता रहे हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का बहिष्कार किया माइनॉरिटी वोट के डर से वो बता रहे हैं वोट देने का काम जनता को करना है हमारे घोषणा पत्र में राम मंदिर बनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी कानूनी तरीके से राम मंदिर बनाएगी वो 89 से हम 85 से कह रहे आज से नहीं कह रहे और राम की ही कृपा है कि अब घोषणा पत्र में रखने की जरूरत नहीं है मंदिर बन चुका है अमित जी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि आप उनके बढ़ने की दुआ कर रहे हैं और केजरीवाल की पत्नी कह रही हैं कि जेल में बीजेपी उनके पति को मारने की कोशिश कर रही है चलिए ऐसी चीजें आपके अलावा शायद देश में कोई नहीं मानता जेल उनके पास है जेल दिल्ली सरकार आपकी है आप पार्टी के पास है जेल का प्रशासन हमारे पास नहीं है अब उनकी ही सरकार उनको मारने की कोशिश कर रही है तो उनको ही चिंता करनी चाहिए फिर भी मुझे लिख कर कुछ भेजेगी तो हम कदम जरूर उठाएंगे धन्यवाद अमित जी